ऐसा कहना गलत तो नहीं होगा कि इंसानों का चीजों पे विश्वास करना या उनको समझ पाना हर समय संभव नहीं है, लेकिन उनको खुले दिल से महसूस करना ये आप पर निर्भर करता है। इंसानों ने अभी तक बहुत से ऐसे काम किए हैं जिनका एक समय पहले सोचा जाना भी मुश्किल था। लेकिन अब भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन सबसे परे हैं, जिनको मापा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। इन बातों को समझने के लिए आपको इससे पहले का एपिसोड देखना होगा और इस कहानी से शुरू से जुड़ना होगा। वेलकम इन डे 3 और आज पूजा का सेकंड डे है और इस सीरीज का थर्ड डे है। कल आपने रात को कौतिक देखा, आज वही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और बाकी फिर उसके बाद दिन का खाना है सेम जगह पे, बट आज खाने का तरीका अलग है, बनाने का भी तरीका अलग है। आज कोई स्पेशल लोग बनाएंगे, बताऊंगा कौन बनाएंगे, और उन्हीं की ही एंट्री है उस एरिया में जहाँ पे बनता है ना खाना। कल तो हम सारे थे वहाँ पे, बट आज ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। सुबह हम लेट उठे अराउंड 8 बजे करीब, क्योंकि रात को कल 3:30 बज गए थे, है ना। आपको पीछे ढोलों की आवाज़ आ रही होगी, तो वहाँ जाते हैं। ठीक है, चलो। कल हमने जागर का एक प्रकार देखा, ऐसा मानते हैं कि एक रूप देखा जो कि देव जागर थी, जिसमें डंगरिया के शरीर में देवताओं का अवतरण कराया जाता है। जागर आमतौर पर दो प्रकार के होते हैं, पहला है देव जागर जो हमने इससे पहले के एपिसोड में देखा था, दूसरा है भूत जागर जिसमें डंगरिया के शरीर में किसी मृत व्यक्ति का अवतरण होता है। पूजा का कार्य बहुत बड़ा है, एक दिन में अनेकों काम हैं। गांव में होने वाले ऐसे बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए अन्य गांव भी शामिल होते हैं, तो पूजा के इस कार्य को सही तरीके से संपन्न और गांव में होने वाले कामों में सहायता के लिए अन्य गांव को निमंत्रण दिया गया है, जिनके स्वागत के लिए हम सभी जा रहे हैं। ऐसे कुछ स्वागत होता है भाई गांव में। ठीक है, आगे चलते हैं, बाकी का कार्यक्रम भी आते हैं, अभी कॉलेज स्टार्ट होगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि माता का आसन लगाया गया है, तो आज के दिन माता गांव वालों को गांव के हित से जुड़ी चीजें बताएंगी और लोगों के दुख समस्या का समाधान करेगी।
भाई यहाँ तक का कौतिक आपने देख लिया। तो अभी भेड़ चढ़ी माता को, अब है खाने का सीन। तो खाना चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे बैठ के सारे। तो खाना वाना खाते हैं और उसके बाद में बताता हूँ खाना बटेगा, वो दिखाता हूँ कैसे बट रहा है। तो भाई ये अपना डिस्पोजल आ चुकी है, पूरी सब में डिस्पोजल है। कल तो मतलब जो नॉर्मल हमारे स्टील वाले बर्तन होते हैं उसमें था, हाँ डिस्पोजल है। और आज होगा खाने में आएगी दाल भात और सलाद, तो देखते हैं, ठीक है। सुबह की जागर के बाद अब हम पुजारी को न्योतने जाएंगे, यानी कि पूजा का न्योता देने जाएंगे। पुजारी एक पद है जो कि मंदिर में पूजा अर्चना के साथ मंदिर के अनुष्ठान करने के लिए जिम्मेदार है। पुजारी को न्यूतना और उनको हल्दी लगाया जाना एक परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है। माना जाता है किसी शुभ कार्य से पहले शरीर को शुद्ध करने के लिए हल्दी लगाई जाती है।
रहे हैं, ठीक है आगे देखो। सनातन संस्कृति में पेड़ों को देवताओं के समान माना गया है। माना जाता है पेड़ों में देवताओं का निवास होता है। ऐसा ही एक पेड़ उत्तराखंड संस्कृति में देव वृक्ष माना गया है, जिसको उत्तराखंड में पैया बोला जाता है। उत्तराखंड में धार्मिक आस्था का प्रतीक माने जाने वाले पैया के पेड़ का सीधा संबंध उत्तराखंड के रीति रिवाजों से है। पैया की पेड़ की लकड़ी को चंदन की लकड़ी के समान पवित्र माना गया है। उत्तराखंड में होने वाले सभी शुभ काम में पैया के पेड़ का उपयोग किया जाता है। सारे गांव वाले इस देवरूपी पेड़ को न्यूतने यानी कि पूजा का न्यूता देने आए हैं, जो कि हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस देवरूपी पेड़ को न्यूतते समय पक्षीराज गरुड़ का आगमन होता है और तब ऐसा माना जाता है कि यह कार्य सफल हुआ है। चटका देगी भाई। दिन में जो हम आए थे उस पूजा के बाद, उसके बाद हम डायरेक्ट अब यहाँ आ गए खाना खाने, उसके बीच कुछ हुआ नहीं। और आज थोड़ा स्पेशल दिन है, आज रात को 3-4 गाँव को न्यूता गया, 3-4 न्यूता में इनविटेशन दिया गया, तो वो आज आए हैं और आज सारे गांव मिलके कौतिक करेंगे इकट्ठे। तो अभी इन सारे गाँव का खाना वाना हो रहा है, ठीक है। खाने का तरीका ये है, आपको पता ही है, थोड़ा रखना, हाँ ज़्यादा नहीं। और उसके बाद खाना वाना खा के ऊपर चलते कौतिक देखने, कौतिक दिखाएंगे। जो रात है काफ़ी बड़ी, बहुत बड़ा होने वाला है, तो पूरा रिकॉर्ड करेंगे, अच्छे से दिखाएंगे। अभी खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं। आज पूरी रात कौतिक होने वाला है। इस रात आपको आध्यात्मिकता और मनोरंजन यानी कि स्पिरिचुअलिटी और एंजॉयमेंट साथ में देखने को मिलेगा। के साथ साथ बीच में आपको गांव वाले भी नाचते हुए दिखेंगे, जो कि कौथिक का एक हिस्सा है। देखो, नृत्य उत्तराखंड के लोगों की रगों में बसता है। भारत के अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड के स्थानीय लोग उत्तराखंड के लोकप्रिय नृत्य के माध्यम से अपने सुख और दुख को मनाते हैं।
से पहले के एपिसोड में हमने जागर के बारे में जाना, जागर के मुख्य पात्रों के बारे में जाना। आज हम जागर के 8 चरणों के बारे में जानेंगे, यानी कि जागरिया द्वारा गाए जाने वाली कथाओं के तरीके को समझेंगे। सबको रीति मिलेगी, सबको चाल मिलेगी, जो सिर्जो नाश हो मिलेगा, पर लेकिन बयाने बयाने बयाना। जागर का सबसे प्रथम चरण सांझ वाली गीत है, जिसमें सभी देवताओं को याद किया जाता है, उनका जाप किया जाता है और उनसे जागर को पूरा करने के लिए मदद के लिए विनती की जाती है। दूसरा चरण है, मृतवय के दौरान देवताओं का आह्वान किया जाता है, उनकी प्रशंसा की जाती है और उनके कारनामों और जीवन से संबंधित गाथाएं गाई जाती हैं। भूमि का भूमिया, भोई का गणेश, भोरी का नारायण, दिन का सूरज, रात की चंद्रमा को आदेश रात्मा पामा जाने जागर का तीसरा चरण है, जिसके दौरान वाद्य यंत्रों जैसे ढोल दमों से निकलने वाली ध्वनि को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है और डंगरिया उन्मादी गति के साथ अवतरण की स्थिति में चला जाता है। जागर के अगले पड़ाव में स्थानीय देवी देवताओं के गुरुओं को याद किया जाता है और सुरक्षा की मांग की जाती है। इस अनुष्ठान को गुरु आरती के रूप में जाना जाता है। धुनी से प्राप्त राग को विभूति के रूप में जाना जाता है, जो देवताओं को दिए जाने वाला अग्नि यज्ञ है, जिसे उपस्थित लोगों के माथे पर लगाया जाता है। इसे खाक्रमण के नाम से जाना जाता है। जागर का अगला पड़ाव दैनिक विचार है। दैनिक विचार का अर्थ है प्रदाता के बारे में सोचना। दैनिक विचार के लिए उपस्थित व्यक्ति देवताओं के बारे में और उनके द्वारा किस प्रकार प्रदान किया जाता है उस बारे में चिंतन करते हैं। इसके बाद उपस्थित व्यक्तियों को डंगरिया द्वारा अनुष्ठानिक रूप से आशीर्वाद दिया जाता है। बारी आती है प्रस्थान की, जिसमें देवताओं को जागर के अंतिम चरण में अपने स्वर्गीय निवास लौटने की विनती करी जाती है।
ऑलमोस्ट मॉर्निंग हो गई है, अराउंड 4-4:30 बज रहे हैं, और एक चीज़ बची हुई है अभी तक, वो अग्याल, तो वो अभी निकालना है। वो क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। और आज का दिन काफ़ी लंबा था, बहुत लंबा दिन था, पूरी रात कौथिक चला है। अग्याल, ये आज के दिन का आखिरी काम है, या हम ये कह लें कि आज के दिन का पहला काम है, क्योंकि सुबह के लगभग 4:30 बज चुके हैं। इस कार्य को अग्याल बोला गया है, जिसमें गांव के लोग और सभी डंगरिया पूजा के लिए बने भोग को निकालने गए हैं, जो सुबह हमारे भूम्याल देवता, ईस देवता और कुल देवता को चढ़ेगा। अब हमारे ईस्ट, कुल और भूम्याल देवता कौन से हैं, इस बारे में हम आने वाले एपिसोड में बात करेंगे। तो आज का पार्ट यहीं तक ही था, और बस आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। पूरा एंड हो चुका है, देखो पीछे मोफी लोग चले चुके हैं, तो अब निकल रहे हैं यहाँ से, और कल दिखाता हूँ मैं, कल पूजा का लास्ट पार्ट है, तो फिर कल मिलते हैं, ठीक है।